मैं हूं आपके साथ हर्षा सरमाल। बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर चुनाव आयोग ने एसएसपी की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है और चुनाव आयोग ने कल सुबह 11 बजे तक ये रिपोर्ट मांगी है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद बिना मंजूरी के ही यहाँ पर नियुक्ति की गई थी, जिस पर स्पष्टीकरण मांगने की कोशिश हुई है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा सेना अधिकारी की एसएसपी के रूप में नियुक्ति पर रोक लगा दी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद आयोग की मंजूरी के बिना ये नियुक्ति की गई, जिस पर मुख्य सचिव से चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण मांग लिया है। बताते चले कि भारत के चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जो आदेश जारी किया गया था, उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें भारतीय सेना के पैरा हाई अल्टीट्यूड वॉलफेयर स्कूल गुलमर्ग के कर्नल विक्रांत पराशर को जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ एसएसपी जो कि प्रशिक्षण और विशेष संचालन के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। आयोग ने मुख्य सचिव को कल सुबह 11 बजे तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उसके साथ ही चुनाव आयोग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना आदेश जारी करने की औचित्य के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के निर्देश दे दिए हैं। और ये भी बताते चले कि हमारे संवाददाता भी पहुंचे थे, उन्होंने इस पर बातचीत भी की, क्योंकि प्रेस वार्ता चल रही थी, लेकिन उस बीच में जो बातचीत हुई थी, कई तरह के सवाल उठाए गए थे, उन सवालों पर असर देखने को मिला है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर चुनाव आयोग ने एसएसपी की नियुक्ति पर रोक लगा दी है और मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। ताबिश, किस तरह का असर देखने को मिला है, क्योंकि बड़ी आप देखिए जिस तरह से बात तो जरूर की गई थी, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी है और उसके बावजूद इस तरह से काम करना, अब किस तरह का काम अब जारी कर दिया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आवाम को मैसेज मीडिया को इन्वाइट किया था। उन्होंने मैसेज दिया था कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस तरह पहले और दूसरे चरण में वोटिंग की है, तीसरे चरण में भी वहां वोटिंग, मैं भी वहीं पर मौजूद, हमने उन चैनल के बिहाफ पर कि सर। चलिए, तो फिलहाल ताबिश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिलहाल टेक्निकल परेशानी की वजह से, क्योंकि चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से जिस तरह से स्पष्टीकरण मांगा है, इस पर बातचीत करना, चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है, जिसमें रिपोर्ट साझा करने की बात हुई है। एक तरफ आप देखिए कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी बिना मंजूरी के अगर इस तरह से कदम उठाए जाते हैं तो जाहिर तौर पर सवाल या निशान जरूर उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच में चुनाव आयोग ने कल 11 बजे तक यहां रिपोर्ट मांग ली है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी बिना मंजूरी के किस तरह से नियुक्ति कर दी गई, क्योंकि हाल ही में पिछले दिनों आपने देखा कि एसएसपी की नियुक्ति को लेकर कई तरह के सवाल पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी उठाए गए थे, जिसमें अलग अलग आरोप लगाए गए थे कि किसी पार्टी विशेष को फायदा दिलाने के लिए इस तरह से काम किया जा रहा है, जिस पर अब यहां पर कार्रवाई की गई है। एसएसपी के रूप में नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी अगर इस तरह से कार्रवाई हुई है तो इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि सुबह 11 बजे तक आपको स्पष्टीकरण देना है कि आखिर यह कदम क्यों उठाया गया, किस वजह से यह काम यहां पर किया गया है। लेकिन बताते चले कि भारतीय सेना के पैरा हाई अल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल और साथ ही साथ ये वॉरफेयर स्कूल है, जहां पर गुलमर्ग के कर्नल विक्रांत पराशर को जम्मू कश्मीर पुलिस में एसएसपी परीक्षण और विशेष संचालन के रूप में नियुक्त किया गया था और आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों के स्थानांतरण पर फिलहाल प्रतिबंध होता है, क्योंकि आप जब कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो ट्रांसफर नहीं हो सकती है, अगर ट्रांसफर हो गई है तो आप नई जगह पर अपने आप को ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। कई तरह के आप देखिए आरोप जरूर लगे थे, लेकिन इस पर चर्चा करने की कोशिश की गई, क्योंकि जिस तरह से खबर को दिखाया गया और अब जिस तरह से यहां पर असर देखने को मिला है, ये बड़ी बात है। लेकिन अब देखना ये बहुत ही अहम रहेगा कि कल जब चुनाव आयोग के पास ये पूरी रिपोर्ट आती है तो किस तरह से रहेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने 11 बजे तक ये रिपोर्ट मांगी है और 11 बजे जब ये रिपोर्ट आती है तो क्या कुछ स्पष्टीकरण होगा, ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या कुछ ऐसी मजबूरियां रही हैं, क्या कुछ ऐसे कारण रहे हैं कि इस तरह से नियुक्ति यहां पर करनी पड़ गई है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर एक बड़ा एक्शन किया गया है। इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।